हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास एंड एज यू ऑल नो बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस आर चैप्टर नंबर 3। थर्ड चैप्टर जो है हम शुरू कर चुके हैं और इसका लास्ट ही टॉपिक है जो बचा है, तो आज हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? नर्वस टिश्यू है। अब एक चीज़ बताओ, टिश्यू में मैंने आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाया, ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ाया, एनिमल में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, तीन टाइप के टिश्यू पढ़ चुके हो। अब वो सब क्या थे? एपिथेलियल वो जिसने कवरिंग बना दी बॉडी की, मस्कुलर वो जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, और कनेक्टिव वो जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ को कनेक्ट कर रहा है। अब आता है अपना नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू से क्या समझते हो? ये सारे टिश्यू, ये सारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक साथ मिलकर काम कर पाते हैं, वो किस वजह से कर पा रहे हैं? वो काम कर पा रहे हैं क्योंकि ये नर्वस टिश्यू है इनके साथ, ठीक है, क्योंकि वो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है इनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या है? ये ऐसा टिश्यू है, ये ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ को कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं बात करूँ नर्वस टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है और नर्व्स में। ब्रेन आपको पता है सेंट्रल एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, और ब्रेन से नीचे की तरफ ऐसे निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, और दोनों ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, बहुत सारी नर्व्स आके इनको ज्वाइन करती हैं, जो ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज लेके जाएंगी, या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज लेके जाएंगी, और वापस इन बॉडी पार्ट्स से मैसेज को कहाँ लेके आएंगी? इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, तो बेटा अगर अब मैं आपसे बात करूं कि इन तीनों में ही, चाहे वो नर्व है आपकी, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे ब्रेन है, मैं कह रही हूँ तीनों के तीनों में ही क्या प्रेजेंट है आपका? नर्वस टिश्यू। तो सेकंड थिंग जो अब अपने माइंड में आती है वो ये है कि मैम नर्वस टिश्यू किस टाइप की सेल्स से बना होता है? तो नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू कौन सी सेल से बना बेटा? नर्व सेल, या जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में बात करना शुरू करें तो न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम कह देते हैं न्यूरोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कह रही हूँ मैं? न्यूरोप्लाज्म। दूसरी चीज़, एक और स्पेशल फीचर कि ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर क्या होता है बेटा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो राइबोसोम्स है वो क्लस्टर बना लेते हैं, ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं। उन ग्रुप्स को जो मैंने, देखो यहाँ पे ये रेड में इंडिकेट कर रखे हैं ना, ये देखिए, ये जो रेड में इंडिकेट कर रखे हैं मैंने, ये सब क्या हैं? दीज आर योर नीजल्स ग्रेन्यूल। इनको क्या कह रहे हैं हम? नीजल्स ग्रेन्यूल। ये मैंने एरो लगा के अब इंडिकेट किया इनको दोबारा से, अगर देख पा रहे हो तो ये क्या है? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लस्टर्स हैं, और इनको हम कह रहे हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब आगे क्या है ये सुनो। अपना जो ये न्यूरॉन है या नर्व सेल है, एक न्यूरॉन या नर्व सेल को हमने मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। अभी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा। मेनली तीन पार्ट्स क्या क्या हैं? एक पार्ट तो ये है जिसने मेन सेल बॉडी बना रखी है, दिस पार्ट, जो सेल का मेन पोर्शन है, मेन बॉडी है, इसको हम साइटोन या सेल बॉडी कह देते हैं। अब इस मेन पार्ट से आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसे कुछ स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये वाली, ये स्मॉल ब्रांचेस निकली हुई है ना, और एक लंबा सा सिलेंड्रिकल ब्रांच निकल रही है नीचे की तरफ। ये देखो, ये लंबी सी ब्रांच निकल रही है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन। तो ये जो सेल बॉडी है इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, पहली चीज़ तो आप ये याद रखोगे। अब इसमें से ये जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, दीज स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस, इन स्मॉल ब्रांचेस को तो हम कह देते हैं बेटा डेंड्रोन्स। क्या बोल देते हैं? डेंड्रोन्स। एरो से दिखा देती हूँ मैं किसको कहते हैं डेंड्रोन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, ये जो ब्रांच है, दूसरा दिखा देते हैं, ये देखिए, ये छोटी सी एरो से दिखा रखा ना, दिस वन इज़ अ डेंड्रोन। अब ये डेंड्रोन भी आगे देखो, इन डेंड्रोन की भी आगे छोटी छोटी ब्रांचेस बन गई। कौन सी? ये अभी जो मैं एरो से दिखा रही हूँ, देखिए, ये जो डेंड्रोन के आगे ब्रांचेज हैं इनको हम कह देते हैं डेंड्राइट्स। अब इनका काम क्या है बेटा? नर्वस टिश्यू का मेन काम ही ये है कि ये मैसेज को लेके जा रहे, देखो नर्व्स में प्रेजेंट होगा तो मैसेज को लेके जाएगा ब्रेन से ऑर्गन्स के पास, ऑर्गन से ब्रेन के पास। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है कि यहाँ से कोई मैसेज आ रहा है, चाहे ये ब्रेन से आ रहा है, चाहे किसी ऑर्गन से आ रहा है, इस मैसेज को रिसीव करने का काम किसका है? ये मैसेज कहाँ रिसीव होगा? इन डेंड्राइट्स के पास।
डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव किया और भेज दिया साइटोन या सेल बॉडी के पास, ठीक है। डेंड्राइट्स ने कहाँ भेजा मैसेज को, सेल बॉडी के पास। अब एक चीज़ और है, इस सेल बॉडी से नीचे की तरफ भी एक लंबी सी ब्रांच निकल रही है, ये देखो ये जो लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एक्सोन। इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं एक्सोन। सेल बॉडी के पास भेज दिया डेंड्रोन ने मैसेज, डेंड्रोन ने सेल बॉडी के पास भेजा। अब सेल बॉडी उस मैसेज को कहाँ भेजेगी, इस एक्सोन के पास, ठीक है। अब एक्सोन के पास मैसेज आ गया फाइनली। अब इस एक्सोन से वो मैसेज यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए, ये एंडिंग है, इसको हम बोल देते हैं नर्व एंडिंग या न्यूरॉन की एंडिंग बोल देते हैं, इस न्यूरॉन एंडिंग के पास मैसेज पहुंच गया। अब क्या है, इससे आगे ऐसा ही कोई एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो ये मैसेज जो इस न्यूरॉन के यहाँ से ट्रेवल होते हुए यहाँ तक पहुँचा है, देखिए यहाँ से ट्रेवल होना शुरू हुआ था और मैसेज पहुँचते पहुँचते इस एंड पर पहुँच गया। अब इस मैसेज को पहुँचाना है अगले न्यूरॉन तक, ठीक है। तो वो काम कौन कर रहा है बेटा, ये यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये जो एंड है आपका, अभी फिर से दिखाती हूँ मैं आपको ध्यान से, देखो फिर से सारी चीज़ें एक बार क्विकली रिकैप कर लो। डेंड्राइट ने मैसेज को रिसीव किया, सेल बॉडी के पास मैसेज को भेज दिया। अब इस सेल बॉडी ने क्या किया, इस सेल बॉडी ने उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर दिया। अब वो ट्रांसमिट होते होते वो मैसेज पहुँच गया इस पोर्शन में, जहाँ मैं अभी आपको डॉट्स लगा रही हूँ, ये दिख रहा है, इस पोर्शन में है बेटा छोटी छोटी ऐसे वेसिकल्स जिनके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं। ये वेसिकल्स आएंगी और जो ये एंड वाला पोर्शन है इसके साथ आके जुड़ जाएंगी और ये केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं इस स्पेस में। ये जो खाली स्पेस आपको यहाँ दिख रहा है इसको कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं, साइनेप्स। इस साइनेप्स से आगे फिर एक दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो साइनेप्स में ये केमिकल्स सीक्रेट हो गए। अब इन केमिकल्स को किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं वो रिसीव कर लेंगे और ये मैसेज ऐसे एक न्यूरॉन से होते हुए दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगा। क्लियर, ठीक है। हर एक पार्ट का फंक्शन समझ लो, डेंड्राइट ने मैसेज को रिसीव करना है, फिर डेंड्रोन के पास, फिर साइटोन के पास आएगा। साइटोन इस मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैसेज आर फास्ट टू ट्रांसमिट। उसके बाद मैसेज ट्रांसमिट होते होते नर्व एंडिंग के पास पहुंच जाएगा और यहां से फिर क्या होगा बेटा, कुछ केमिकल सीक्रेट होंगे जो इस मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। अब इस पोर्शन को देखो बेटा, ये जो मैं एक्सोन वाला पोर्शन बोल रही हूँ आपका, दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो एक्सोन है ये कवर्ड है, इसके सराउंडिंग में एक कवरिंग है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ भी बोल देते हैं। अब वो माइलिन शीथ क्या है ये देखो बेटा, अब ये चीज़ सुनने की है, ध्यान से सुनेंगे सारे, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों को कोई डाउट ना हो इससे रिलेटेड, ठीक है, कि ये माइलिन शीथ होती क्या है। ये न्यूरॉन एक सेल है, इसके पास दूसरी सेल्स आ जाती हैं जिनको हम कह देते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। अब ये न्यूरोग्लायल सेल्स का ही एक टाइप है ये श्वान सेल्स जो मैंने यहाँ लिख रखा है, दिस वन। तो होगा क्या बेटा जी, कि ये जो श्वान सेल है ये ऐसी सेल्स होती हैं, ये लंबी सी सेल और इसकी ऐसी पूंछ, सारा साइटोप्लाज्म इसका जो है ये एक जगह इकट्ठा हो गया यहाँ पे और पूंछ है खाली, इस पूंछ के अंदर आके भर जाता है माइलिन, ठीक है। क्या भर गया, एक केमिकल जिसको मैं कह रही हूँ माइलिन, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये श्वान सेल की ये पूंछ जो है, ये टेल है जिसके अंदर माइलिन भरा, ये रैप अप हो जाएगी अपने एक्सोन के चारों तरफ। कैसे, ध्यान से देखेंगे, ये ऐसी थी श्वान सेल, इसकी ये पूंछ ऐसे रैप हो गई इस एक्सोन पे और ये जैसे एक श्वान सेल यहाँ रैप हो गई, दूसरी यहाँ रैप हो जाती है, ठीक है। अब बच गया ये साइटोप्लाज्म, ये रैप होने के बाद ये साइटोप्लाज्म भी आके जो है रैप हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म भी रैप हो जाता है। तो कुछ जगह ऐसी बचती हैं बेटा जहाँ पे ये माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, माइलिन शीथ को बना कौन रहा है, श्वान सेल्स बना रही हैं, ठीक है। माइलिन शीथ को कौन बना रहा है, श्वान सेल बना रही है। माइलिन शीथ क्यों प्रेजेंट है, अब ये भी सुनो, माइलिन शीथ प्रेजेंट इसलिए है ताकि जो मैसेज कन्वे करना वो इधर उधर ना लॉस्ट हो जाए, वो सीधा सारा मैसेज यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। माइलिन शीथ को किसने बनाया, श्वान सेल ने। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, उन जगह को क्या कह देते हैं हम, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो एरो से दिखा रखा है मैंने अभी जो मैंने एरो से दिखाया है, नोड्स ऑफ रेनवियर जिसको बोल रहे हैं, ये देखो फिर से दिखाती हूँ, ये पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, नोड्स ऑफ रेनवियर, वो जगह जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। माइलिन शीथ किसने बनाई है,
श्वान सेल ने, देखो माइलिन शीथ बेशक एब्सेंट है लेकिन न्यूरोलेमा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। एनटीएससी में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोड्स ऑफ रेनवेयर एक जगह होती है एक जोन पे, उस पर क्या होता है। पहला ऑप्शन आ जाएगा माइलिन शीथ इज एब्सेंट एंड न्यूरोलेमा इज ऑल्सो एब्सेंट, ठीक है। दूसरा आ जाएगा माइलिन शीथ एब्सेंट न्यूरोलेमा प्रेजेंट, तीसरा न्यूरोलेमा प्रेजेंट माइलिन शीथ एब्सेंट। तो आपको पता है माइलिन शीथ एब्सेंट है बट न्यूरोलेमा इज प्रेजेंट, ठीक है। अब आगे सुनो, तो ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको एक बार देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को नोट्स भेज रखे हैं तो एक बार इसी को देखते हैं। साइटोन क्या है, एक एक पार्ट की डिटेलिंग अभी हम देखेंगे, ठीक है। साइटोन इज़ द मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल, यहाँ देखेंगे मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें मेनली सारा साइटोप्लाज्म यही प्रेजेंट है, सारे सेल ऑर्गेनल है, इसमें बस सेंट्रियोल नहीं है क्योंकि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और नर्व सेल्स की डिवीजन की कैपेसिटी कम ही होती है, ठीक है, बहुत लेस कैपेसिटी होती है इनकी डिवीजन की, तो सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट है। दूसरा नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे, नीजल ग्रेन्यूल क्या बताया था मैंने ऊपर ही, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लस्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स। अगली चीज़ डेंड्रोन क्या है, साइटोन को तो एक्सप्लेन कर दिया, साइटोन के सारे फीचर्स लिख दिए। अब डेंड्रोन शॉर्ट हाईली ब्रांच्ड एंड टेपर्ड प्रोजेक्शन की, छोटे छोटे हैं, बहुत सारी ब्रांचिंग हैं, इनकी ब्रांचिंग को हम डेंड्राइट्स कह देते हैं। ये कहाँ से निकलता है, साइटोन से निकलने वाली ब्रांचेस को डेंड्रोन कह रहे हैं। अब आगे सुनो, डेंड्रोन के अंदर भी नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या कह रहा है, इट ऑल्सो पोजेस नीजल्स ग्रेन्यूल्स, कि डेंड्रोन जो है आपका इसके पास भी नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ, सॉरी ये हम आ गए नेक्स्ट में एक्सोन में। एक्सोन क्या है, लंबा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो साइटोन से निकल रहा है, ठीक है, ये मैसेज को आगे कन्वे करेगा। यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं, याद रखेंगे नीजल ग्रेन्यूल साइटोन में भी हैं और डेंड्रोन में भी हैं बट एक्सोन में एब्सेंट हैं। एक्सोन क्या करेगा बेटा, मैसेज को कन्वे करेगा एक साइटोन से लेके और अगली जो अगला न्यूरोन होगा, अगली नर्व सेल होगी उसके डेंड्रोन्स तक, ठीक है। अब इसके इट इज़ सराउंडेड बाय शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ, जो कौन बनाता है, माइलिन शीथ को कौन बनाता है, श्वान सेल। अभी एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा प्रोसेस कैसे, कि श्वान सेल का साइटोप्लाज्म एक तरफ खिसक जाता है, उसके अंदर माइलिन भर जाता है तो वो बना लेता है माइलिन शीथ या फिर मेडुलरी शीथ। ये तो बात हुई इसके स्ट्रक्चर की, अभी आगे देखते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे बेटा, छोटा सा टॉपिक और रह गया अपना, ये द एरिया ऑन एक्सोन वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट बताया था, उसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्सोन नीचे चल के कुछ ब्रांचेस बना लेता है जो एंड पे जाके स्वेलन अप हो जाती है, स्वेल हो जाती है। इस एंड को, इस जॉइंट को हम कह देते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक नोब। मैंने बताया था इस साइनेप्टिक नोब के अंदर कुछ वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर केमिकल भरे होते हैं। जब एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन पे के पास मैसेज जाएगा तो इसके एंड पे ये केमिकल रिलीज हो जाएगा और वो केमिकल आके इन डेंड्रोन्स के साथ जुड़ जाएगा और इन डेंड्रोन्स को, मतलब जो अगले न्यूरॉन के डेंड्रोन्स हैं उनको फिर ये मैसेज मिल जाता है, जो मैसेज ऊपर से ट्रेवल होके आ रहा है। कैसे, एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से डिपिक्ट करूँगी, देखना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ देखो, ठीक है, जैसे रफी डायग्राम है, ठीक है, यहाँ देखेंगे, ये था बेटा आपका एक न्यूरॉन, ठीक है, ये डेंड्रोन निकले हुए, यहाँ से डेंड्राइट्स निकले होंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज आ रहा है इस एक्सोन के थ्रू, इस एक्सोन की ये एंडिंग आ गई, ठीक है, ये एक्सोन का एंड आ गया। अब इस एक्सोन के एंड के बाद नीचे प्रेजेंट होगा दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है तो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन्स तक मैसेज कैसे जाएगा, यहाँ कुछ वेसिकल्स हैं जो फ्लूइड से भरी हुई हैं, केमिकल से भरी हुई है, वो आएंगी यहाँ जुड़ जाएंगी, अपना केमिकल यहाँ सीक्रेट कर देंगी, केमिकल सीक्रेट करते उस केमिकल को ये अगला न्यूरॉन सेंस कर लेगा और मैसेज पहुँच जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब अगली चीज़ देखो कि एक्सोन ने ब्रांचेज बना दी, ये एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ के देखोगे अब समझ में आएगा, इसने ब्रांचेज बना दी जिन जो नीचे से स्वॉलन है और वहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब वो केमिकल जो नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज को कैरी करता है, ठीक है, सिंपल, बस बेसिक इतना ही याद रखना है। अगली चीज़, न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप, ये लास्ट चीज़ है जो मेरे को आपको बतानी है। न्यूरॉन्स कितने टाइप के हैं, न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन से हैं थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेके जाएगा सेंस ऑर्गन से लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास।
मोटर न्यूरॉन इससे अपोजिट जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से मैसेज को लेके जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, और थर्ड है बेटा इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन जो क्या करेगा मैसेज को लेके जाएगा सेंसरी से मोटर न्यूरॉन के पास या मोटर से सेंसरी के पास, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन का जो काम कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज इंटर न्यूरॉन और अ कनेक्टर न्यूरॉन। दिस इज ऑल अबाउट जो मेरे को आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताना था, नर्वस टिश्यू के बारे में बताना था। तो नर्वस टिश्यू याद रखो वो टिश्यू है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, नर्व सेल से मिलकर बना होता है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, उसके तीन पार्ट साइटोन, डेंड्रोन एंड एक्सोन, ठीक है। कैसे मैसेज कन्वे होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, लेकिन जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज जाएगा तो वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ रही है ना, बस उसके बाद न्यूरॉन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताए हैं। सो आई होप आपको नर्वस टिश्यू क्लियर हो गया है, और यहीं हमारा चैप्टर 3 जो है बेटा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड कोई कुछ डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच बेटा।